मानव विकास संगठन चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने लगातार जो है आपको सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो प्लस टू के सब्जेक्ट्स हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप उन क्वेश्चनों को जो है रीड करें और उनकी तैयारी करें। तो हिंदी का जो आपने आज काम करना है वो अध्याय एक का है, और उस अध्याय एक का नाम है पतंग। पतंग में जो सह प्रसंग व्याख्या आपने करनी है, सबसे तेज बौछार गई और सर्द आया पोलों को पार करते हुए, लास्ट लाइन इसकी है, सर्द आया पोलों को पार करते हुए और शुरू है सबसे तेज बौछार गई। तो यहाँ से ये सह प्रसंग व्याख्या आपने करनी है। और दूसरा, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, दिशाओं को ब्रीदिंग की तरह बजाते हुए, ये लास्ट लाइन है और शुरू की लाइन है, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, दिशाओं को ब्रीदिंग की तरह बजाते हुए। तो ये दूसरी व्याख्या आपने करनी है, दूसरे उसकी। उसके बाद उसका एक क्वेश्चन है इसी का, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, इस पंक्ति में बच्चों और कपास का क्या संबंध है। तो इस चैप्टर में से आपने दो सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहली, सबसे तेज बौछार गई, यहाँ से शुरू है, और लास्ट में सर्द आया फूलों को पार करते हुए, ये है। और उसके बाद, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, दिशाओं को ब्रीदिंग की तरह बजाते हुए। तो ये आपने जो है इसकी व्याख्या करनी है। और एक क्वेश्चन है इसका हिंदी का, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, इस पंक्ति में बच्चों और कपास का क्या संबंध है। तो ये हिंदी का आपने तैयार करना है, सेकंड चैप्टर का। राजनीतिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये सेकंड चैप्टर शुरू है। इसमें से आपने दो ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं, भारतीय दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो, और दूसरा क्वेश्चन है भारत में विरोधी दल की भूमिका का वर्णन करो। दो क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, मुख्य विशेषताएं क्या हैं भारतीय दलीय प्रणाली की, और दूसरा है भारत में विरोधी दल की भूमिका का वर्णन करो। ये दो क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस के आपने तैयार करने हैं, सेकंड चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दो ही क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। और इनके जो है आपने जो है पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। उसके बाद जो है हिस्ट्री के चार पाँच क्वेश्चन, आज सौ टाइप क्वेश्चन करने हैं, सिंपल से क्वेश्चन है जो आपने रिटर्न में याद भी लर्न भी करने हैं और अपनी नोटबुक पे लिखने भी हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की माप तोल विधि का वर्णन करो, माप तोल विधि कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और उसके बाद, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है और इसकी खोज किसने की। पहले था हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता की माप तोल की विधि का वर्णन करो, और तीसरा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है और इसकी खोज किसने की। उसके बाद, हड़प्पा सभ्यता की सड़कों का वर्णन करो, अगला क्वेश्चन, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के चार प्रमुख शहर बताओ, चार प्रमुख शहर कौन से हैं। और उसके बाद, जॉन मार्शल कौन था, उसके बाद ये क्वेश्चन है। तो सौ टाइप क्वेश्चन हैं ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपने जो है तैयार करने हैं और अपनी नोटबुक पे भी लिखनी है। उसके बाद जो है इंग्लिश का काम आपको दिया था कि स्टैंजे आपने तैयार करने हैं, माई मदर एट 66 पोएम्स की फर्स्ट स्टैंजे, उसमें एक थीम वाला क्वेश्चन करना था, सो टाइप क्वेश्चन। और उसके बाद इसके तीन स्टैंजे आपको दिए थे, और फर्स्ट स्टैंजा है इसमें जैसे नेम द पोएम एट द पोएट क्या है, सिंपल से क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते, नेम द पोएम इज माई मदर एट 66 एंड द पोएट इज कमला दास, या ऐसे भी कह सकते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 एंड इज रिटन बाई कमला दास। और सेकेंड इसमें से क्वेश्चन जो आपके पास होगा, हु इज आई, आई कौन है उसमें, तो आई पोएट इज हर सेल्फ है, हिमसेल्फ नहीं आने का क्योंकि वो कवित्री है, कवित्री के लिए हर सेल्फ का प्रयोग होगा, लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए जो है हिमसेल्फ। वो एक इसमें क्वेश्चन इसमें से सो टाइप पे मिलेगा स्टैंजे में, वेयर वाज द पोएट गोइंग एंड विद हुम, कहाँ पर कवित्री जा रही थी किसके साथ, तो द पोएटेस्ट वाज गोइंग टू एयरपोर्ट पर जा रही थी एंड सी वाज विद हर मदर, और उसकी माता उसके साथ थी। हाउ डिड हर मदर लुक लाइक, कैसे उसकी माता दिखाई देती थी, तो हर मदर लुक
वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ी थी एंड पेल सो दिखाई देती थी, मतलब उनका चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ था। तो ये क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं इंग्लिश के, इंग्लिश का काम यही है आज भी कि एक पोएम का क्वेश्चन करना है। माई मदर एट 56 का थीम से संबंधित, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, उसका विषय क्या है, किसके बारे में ये स्टोरी है, उसके बारे में डिटेल में भी आपको बताएंगे और उसके स्टेंजे कंप्लीट करने हैं। और नेक्स्ट दिन कल से जो है सेकेंड पोएम का क्वेश्चन आपको बताएंगे और थोड़ा उस पोएम के बारे में भी बताएंगे कि किस उसमें यह पोएम है। तो ये सारे सब्जेक्टों के काम जो है आपने करने हैं, अपनी नोटबुक पे लिखने हैं मेन मेन पॉइंट्स, और जब आपको बुलाया जाएगा अपनी नोटबुक साथ लेके ये काम जो है आपने जो है चेक कराना है। तो सभी बच्चे इन पॉइंटों को लिखेंगे और इन क्वेश्चनों को लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय।